नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल दो रिटेल इन्वेस्टर में। बात करने वाले हैं गाइस लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स के ऊपर, और इसके ऊपर वीडियो बनाने का एक सबसे बड़ा रीज़न दोस्तों कि मैं बहुत दिन से इसके ऊपर वीडियो नहीं बना रहा था, और मुझे बहुत सारे मैसेज आए कि सर क्या इस बार जो इसका बहुत बड़ा स्ट्रांग सपोर्ट जोन है क्या वो टूटने वाला है, क्या अचानक आई कुछ 3.5% ज़्यादा की गिरावट सोमवार को यानी कि कल ये जारी रहेगी, क्या अब ये स्टॉक प्राइस क्रैश करने वाला है, और अगर करने वाला है तो कौन से वो लेवल से जो हमें देखने चाहिए, और क्या निचले स्तरों में हमें एक्यूमुलेट करना चाहिए, और किस तरह की एवरेज की रणनीति होनी चाहिए, और ग्लोबल जो सेल ऑफ है इसका इस शेयर पे क्या असर पड़ेगा। हर एक चीज़ में इन पे नाम से चर्चा होगी दोस्तों, लॉन्ग टर्म चर्चा होगी। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत नॉलेजेबल होने वाला है, बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि लक्ष्मी ऑर्गेनिक इतना अच्छा शेयर है, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, बट कुछ रीजंस के कारण इसमें लगातार गिरावट आ रही है, ठीक है। और जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो किस तरह से चेंज हुआ है, वो क्या इंपैक्ट कर रहा है, हर एक चीज़ में चर्चा होगी दोस्तों। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। आप सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन दबाइएगा, चैनल की ग्रोथ होती है, बहुत मोटिवेशन मिलता है, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। प्लस दोस्तों लाइक करके अप्रिशिएट कीजिएगा, ताकि और को रिकमेंड हो। और मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ जाके ज़रूर देखिएगा, कि मैं बहुत सारे वीडियोस बना रहा हूँ आजकल, और यूट्यूब बहुत सारे वीडियोस नोटिफाई नहीं कर रहा है, तो जाके वो चैनल ज्वाइन कीजिएगा। मैंने इससे पहले भी दोस्तों 2 वीडियोस बनाए हैं, ठीक है। सुबह मैंने IRFC के ऊपर वीडियो बनाया था, ठीक है, सुबह मैंने IRFC के ऊपर वीडियो बनाया था, और अभी कुछ देर पहले मैंने एक और वीडियो बनाया था, ठीक है दोस्तों। तो इन सभी वीडियो को जानने के लिए जाके एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधा आपको लेके चलूँगा मैं शेयर प्राइस की तरफ दोस्तों। दोस्तों 3.77% की ये ज़बरदस्त गिरावट है दोस्तों, ठीक है। और अगर आप बात करें फिफ्टी, आज जो लो बना था वो 415 का लो बना था दोस्तों, ठीक है। अब लोगों को डर ये सता रहा है, जो 400 रुपये है ना दोस्तों, एक ह्यूज सपोर्ट है दोस्तों इसका। और मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं आपको ज़रा दिखाऊँ इस शेयर को, पिछले अगर मैं 1 महीने की बात करूँ दोस्तों, बल्कि 6 महीने में आपको लेके जाता हूँ, आप देखिए ये एक आपको दिख रहा होगा कंसोलिडेशन वाला पॉइंट, ये कहाँ से कहाँ तक है, ये हो गया दोस्तों देखिए 437 25 अक्टूबर, और ये देखिए 1 महीने में दोस्तों लगभग ये 80 पास है, ठीक है। आप देखिए ये 1 महीने से दोस्तों कंसोलिडेट कर रहा है, और जो 400 रुपये है वो एक मैं कहूँगा बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और यूं ही नहीं है दोस्तों, ये आप ये लाइन देखिए, ठीक है, ये लाइन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है दोस्तों इसके लिए, इसीलिए ये लाइंस, ठीक है, और फिर ये लाइन। तो आप मान के चलिए ये कौन कौन से सपोर्ट्स है दोस्तों, ये है जब आखिरी बार चढ़ा था, ये देखिए 420, ये है इसका लगभग 300 के आसपास का दोस्तों, 390 के आसपास का, ठीक है, 390, 400 से लेकर 390, तो 390 to 400 एक बहुत ही मैं कहूँगा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और कल यानी कि मंडे को हमें ये देखना है कि ये लेवल बचता है कि नहीं दोस्तों, ये लेवल बचेगा, उसके बाद जो यहाँ रही थी दोस्तों जो कि काफ़ी नीचे लगभग 250 रुपये के आसपास, ठीक है, यानी कि उसके बाद जो 250 रुपये ना, ये इसका बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा, लेकिन 250 रुपये बहुत लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा। इसके बीच कौन से लेवल से मैं आपके सामने आगे चर्चा करूँगा, ठीक है। देखिए दोस्तों करना क्या है, पहले मैं आपको समझाऊँ एक्चुअली में ये रैली आई क्यों थी। आप देखिए ये रहा, ठीक है, अगस्त, बल्कि आप इसको देखिए, ये रहा 5 जुलाई, आप 5 जुलाई को 220, और ये देखिए आप 168%, 4 महीने में ही 168% ज़्यादा की तेजी दोस्तों। ये तेजी का कारण था इसका आउटस्टैंडिंग Q2 रिजल्ट, ठीक है। जो उसका Q2 रिजल्ट आया था वो अपने आप में इतना ज़बरदस्त था कि मैं आपसे क्या बताऊँ, और क्या गजब की रैली आई थी उसके बाद, आपने देखा 168% सिर्फ और सिर्फ 4 महीने में, ठीक है। उसके बाद ये थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है, फिर एक प्रकार से नीचे से क्रैश शुरू हो जाता है दोस्तों, ठीक है। और जो बड़े जो एक रिटेल इन्वेस्टर है वो हर बार की तरह दोस्तों 600 से लेकर के 620 रुपये में कई लोगों ने अपनी पोजिशन बना ली। अब आप सोचिए वो ऊपरी स्तरों से कितने ज़्यादा निगेटिव में होंगे, ठीक है।
क्या करें अब, क्या बाजार की गिरावट में शेयर क्रैश करेगा? दोस्तों देखिए, शायद करेगा, क्योंकि बाजार में जब पैनिक आता है ना तो कोई भी स्टॉक उससे नहीं बचता है, ठीक है। और आप देखिए, मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, आप इधर देखिए, ये इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं। तेजी की शुरुआत कब हुई थी पता है आपको? जब ये शेयर ने ना जबरदस्त तेजी जंप दिखाई थी दोस्तों, ठीक है। कब जंप दिखाई थी? आप ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये जो जून क्वार्टर में इसकी रिजल्ट आई थी, इस पे हम नेट प्रॉफिट में जरा देखिए, 36 to 102, इसके बाद से जो जबरदस्त रैली हुई थी दोस्तों इसमें, आप देखिए, भले ही वो सेल्स के नंबर हो, ठीक है, वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को जरा चेकआउट कीजिएगा आप, हर एक क्षेत्र में जबरदस्त रिजल्ट था। और जिसे कहते हैं ना रैली, ऑटमोस्ट रैली, वो ऑर्गेनिक लक्ष्मी ऑर्गेनिक में शुरू हो जाती है, ठीक है। फिर क्या दोस्तों, फिर आता है Q2 का, आप देखिए इधर, फिर एक डेंट आने शुरू था। क्यों दोस्तों? इसके मल्टीपल रीजन दोस्तों, सबसे पहला था फ्लड का दोस्तों, फ्लड जो आई थी ना उसके कारण इनके दो जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थे वो काफी प्रभावित हुए थे, जिस कारण ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पा रहा था। दूसरा था बहुत बड़ा रिलेशन, वो था इन्फ्लेशन का, इन्फ्लेशन इतनी भयंकर हुई थी, आप मार्जिन को चेकआउट कीजिए, 20 से सीधा 5%, और ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई मार्केट को, और वहीं से सेल ऑफ शेयर का शुरू हुआ। लेकिन दोस्तों उसके वही रीजन थे, फ्लड की, इन्फ्लेशन की, ठीक है। क्या कंपनी में कोई खराबी आई थी? बिल्कुल नहीं आई थी दोस्तों, ठीक है। फंडामेंटल आज भी स्ट्रांग थे, वो लोग जो 500 साढ़े 500 में बुलिश थे, वो अगर अभी लेने से घबरा रहे हैं तो वो या तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं है, या तो उन्हें ट्रेड नहीं आता। मैं ऐसा यूं ही नहीं बोल रहा दोस्तों, एक शेयर जिसमें आप इतने बुलिश थे एक समय में, आज सर्कमस्टेंसेस के कारण शेयर बाजार में जो चारों तरफ पैनिक फैला हुआ है उसके कारण आप इसको सेल नहीं कर सकते। देखिए, शायद Q3 के रिजल्ट थोड़े खराब आ जाए, ठीक है, लेकिन मैं बता दूं, क्रूड ऑयल के दाम फिर से क्रैश कर रहे हैं दोस्तों। क्रूड, अगर ये सब चीजें रहेंगी, क्रूड ऑयल के दाम फिर क्रैश करेंगे, और आप यकीन मानिएगा, लक्ष्मी ऑर्गेनिक और पूरा केमिकल सेक्टर फिर से खड़े होगा दोस्तों, ठीक है। लेकिन उसमें कितना समय लगेगा ये नहीं पता दोस्तों। लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स एक जबरदस्त कंपनी है, ये बताने आपको जरूरत नहीं है। आप टेक्निकल रेटिंग देखिए, अभी बहुत ज्यादा बेयरिश है दोस्तों, मतलब अल्टीमेट बेयरिश है ये, ठीक है, और हर एक चीज में बेयरिश है। और जो शॉर्ट टर्म है ना दोस्तों, वो 400 के आसपास ही है, और मंडे को अगर जरूरत पड़ी दोस्तों मैं फिर वीडियो लाऊंगा, ये देखना हमें क्या ये 400 को तोड़ करके अगर ये क्लोजिंग बेसिस पे 5-10 रुपए नीचे बंद होता है दोस्तों, तो इज नथिंग, तो कोई चिंता की वाली बात नहीं है। 390 भी एक बहुत अच्छा सपोर्ट है इसका, लेकिन 390 को भी तोड़ करके अगर ये क्लोजिंग बेसिस पे नीचे बंद होता है तो हाँ दोस्तों, थोड़ी सी चिंताजनक बात जरूर होगी, ठीक है। अब मैं आपके साथ एक चीज बताता हूं, ये कंपनी दोस्तों बहुत अच्छी है, आपको ये देखिए इधर, आप इसके थोड़े फंडामेंटल्स चेकआउट कीजिए। 10,000 करोड़ की मार्केट कैप है दोस्तों, 11,000 करोड़ के आसपास स्मॉल कैप कंपनी है। आप ROC देखिए, ROE देखिए, ठीक है, और इसका जो प्रॉफिट है 208 करोड़ है। आप फिर इसके अबाउट्स पे चेकआउट कीजिए, इसे पॉज करके देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि क्यों लक्ष्मी ऑर्गेनिक सबसे अच्छी चीज़ है। एक बहुत ही, जैसे तो बोलते हैं ना, पोटेंशियल है जिस कंपनी में, वो है दोस्तों, ठीक है। लेकिन बस एक बात याद रखिएगा, जो अभी गिरावट हो रही है ये सिर्फ लक्ष्मी ऑर्गेनिक नहीं है दोस्तों, ये ग्लोबल मार्केट में जो सेल ऑफ आया है, जो साउथ अफ्रीका का क्या, जो कहते हैं ना कोरोना वेरियंट पकाया गया वहां पे, उस कारण है। इसीलिए आपसे मेरा यही कहना है कि शेयर में अगर आए हैं, भरोसा रखें, ऊपरी स्तरों में है दोस्तों, तो प्लीज एक ही बात कहूंगा, एवरेज करने की जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिएगा, ठीक है। एक या दो दिन सस्टेन होने दीजिएगा, मार्केट की गिरावट कहां तक हो रही है, क्योंकि दोस्तों जो मार्केट है ना, इन सभी चीजों को प्राइजिंग करना चाह रहा है, ये बात आप जरूर ध्यान में रखिएगा। इसीलिए किस तरह के क्या माहौल या क्या हालात हो रहे हैं ये आपको पता होने चाहिए दोस्तों, ठीक है। फॉर अ लॉन्गर टर्म आई एम प्रेटी मच बुलिश ऑन दिस कंपनी, शॉर्ट टर्म में थोड़े पेन आ सकते हैं अगर मार्केट में ऐसा ही सेल ऑफ जारी रहता है, और 390 से लेकर के दोस्तों 400 रुपए का जो नंबर है ये हमें अपने दिमाग में रखना है। ये लेवल अगर टूटेगा क्लोजिंग बेसिस पे दोस्तों, याद रखिएगा, ये लेवल को क्लोजिंग बेसिस पे टूटना है, ठीक है। और दोस्तों ये मेरी पर्सनल राय है, कोई बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। आपको कोई भी पोजीशन मारने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लेनी दोस्तों, ठीक है। सिर्फ मेरे कह देने या किसी और के कह देने से आपको कोई पोजीशन नहीं बनानी है, अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लें या खुद भी थोड़ी रिसर्च करें, उससे आपको आपके निवेश में कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ मैंने एक अच्छी कंपनी में निवेश किया है दोस्तों, ठीक है।
और अगर आपको इन बातें पसंद आती हो वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट कीजिए। चैनल में पहली बार आया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। प्लस मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां जाके जरूर ज्वाइन कीजिएगा। क्योंकि आज से पहली मैंने दोस्तों अभी लक्ष्मी ऑर्गेनाइज बनाया, इससे पहले कैम्प्स के ऊपर बनाया था और IRFC के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना लिया है। तो दोस्तों यहां तक जुड़े रहने के आप सभी का धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।